गुड इवनिंग फ्रेंड्स, राइट में केमिस्ट्री क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फंडामेंटल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फंडामेंटल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत कुछ ऐसे आवश्यक टॉपिक्स का अध्ययन करेंगे जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने में हमें सहायता प्रदान करेगा। उसमें से सबसे पहला कड़ी हमने चुन के रखा है कुछ एलिमेंट और उसके कोवेलेंट बॉन्ड। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज सबसे पहले सम इंपॉर्टेंट एलिमेंट एंड देयर कोवेलेंट बॉन्ड। सम फंडामेंटल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसके अंतर्गत सबसे पहला टॉपिक हम लेंगे सम इंपॉर्टेंट एलिमेंट एंड देयर कोवेलेंट बॉन्ड। सबसे पहला एलिमेंट हाइड्रोजन, सिंबल H, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, वैलेंसी प्लस 1, लुईस डॉट स्ट्रक्चर, हाइड्रोजन एक डॉट पॉइंट आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हाइड्रोजन ड्यूएट फुलफिल करता है, अर्थात हाइड्रोजन केवल और केवल सिंगल बॉन्ड बनाता है, इसके सिवा हाइड्रोजन के पास और कोई स्थिति नहीं होती है। दूसरा महत्वपूर्ण एलिमेंट होगा कार्बन, सिंबल सी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, वैलेंसी प्लस माइनस 4, लुईस डॉट स्ट्रक्चर, कार्बन के चारों तरफ एक एक डॉट पॉइंट रिप्रेजेंट कर दीजिए, टोटली 4 डॉट पॉइंट आपको दर्शाने हैं। कार्बन ऑक्टेट फुलफिल करता है और ये अपना ऑक्टेट निम्नलिखित 4 स्थिति के द्वारा पूरा कर सकता है, या तो 4 सिंगल बॉन्ड बना लेगा, या एक डबल बॉन्ड 2 सिंगल बॉन्ड बना लेगा, या फिर 2 डबल बॉन्ड बना लेगा, या फिर एक सिंगल बॉन्ड और एक ट्रिपल बॉन्ड बना लेगा। इन चारों स्थिति को ध्यान से देखिए तो प्रत्येक स्थिति में कार्बन का 4-4 संयोजकता आपको फुलफिल होता हुआ नजर आएगा। और आप भी ध्यान रखिए, स्ट्रक्चर बनाते समय ना तो 4 से अधिक होना चाहिए कार्बन का संयोजकता फुलफिल, ना ही 4 से कम होना चाहिए। अगर इसके अलावा कोई स्थिति है तो वो गलत माना जाएगा। तीसरा एलिमेंट हमने यहाँ पे रखा नाइट्रोजन, सिंबल ऑफ नाइट्रोजन एन हो जाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, वैलेंसी -3, लेविस डॉट स्ट्रक्चर, नाइट्रोजन के चारों तरफ 5 इलेक्ट्रॉन को डॉटेड पॉइंट के माध्यम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 5 इलेक्ट्रॉन इसके पास पहले से है, ऑक्टेट फुलफिल करने के लिए मात्र 3 इलेक्ट्रॉन अब इसे चाहिए, तो नाइट्रोजन या तो 3 सिंगल बॉन्ड बनाकर अपना ऑक्टेट फुलफिल कर लेगा, या फिर एक डबल बॉन्ड और एक सिंगल बॉन्ड बनाकर अपना ऑक्टेट फुलफिल कर लेगा, या फिर नाइट्रोजन एक ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा अपना ऑक्टेट फुलफिल कर सकता है। चौथा एलिमेंट की तरफ डिस्कशन करते हैं। चौथा एलिमेंट हम यहाँ पे रखते हैं ऑक्सीजन, सिंबल ऑफ ऑक्सीजन ओ हो जाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, वैलेंसी -2, लेविस डॉट स्ट्रक्चर, अगर आप देखेंगे तो ऑक्सीजन के चारों तरफ 6 इलेक्ट्रॉन को डॉटेड पॉइंट के माध्यम से आप रिप्रेजेंट कर दीजिए। ऑक्सीजन को अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ऑक्टेट फुलफिल करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन जो चाहिए उसकी पूर्ति ये 2 सिंगल बॉन्ड के द्वारा या फिर एक डबल बॉन्ड के द्वारा कर सकता है, ये स्थिति होगी ऑक्सीजन के साथ। पांचवा हमने यहाँ पे रख दिया सल्फर, सल्फर एस, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, वैलेंसी -2, ऑक्सीजन ग्रुप का ये एलिमेंट है, सो इसका भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 ही होगा, जिसे आप इस लेविस डॉट स्ट्रक्चर के माध्यम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको भी ऑक्टेट फुलफिल करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 2 सिंगल बॉन्ड के द्वारा कर सकता है, या फिर एक डबल बॉन्ड के द्वारा अपना ये ऑक्टेट फुलफिल कर लेगा। इसके बाद छठा एलिमेंट के ऊपर ध्यान देना है, जिसको हम कहेंगे हाइड्रोजन ग्रुप एलिमेंट, सिंबल ऑफ हाइड्रोजन ग्रुप एलिमेंट एक्स रख देंगे, जो कि वर्ग 17 का तत्व है। इसके वाहकम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, वैलेंसी -1 हो जाएगा। आप अगर इसका लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाना चाहें
तो हाइड्रोजन के चारों तरफ सात इलेक्ट्रॉन को डॉटेड पॉइंट के माध्यम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अर्थात हाइड्रोजन को ऑक्टेट फुलफिल करने के लिए केवल एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। दैट मींस हाइड्रोजन केवल और केवल सिंगल बॉन्ड बनाएगा, सिंगल बॉन्ड के सिवा और कोई स्थिति इसके पास नहीं हो सकती है, अर्थात हाइड्रोजन एक सिंगल बॉन्ड बना लिया। अब हाइड्रोजन एलिमेंट जो ग्रुप 17 में अवेलेबल है, इसके जगह पर हम फ्लोरीन को डाल सकते हैं, क्लोरीन को डाल सकते हैं, ब्रोमीन को डाल सकते हैं, आयोडीन को डाल सकते हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण तत्व थे जिसके कोवेलेंट बॉन्ड की स्थिति आपको अभी बतलाया गया। इसके आधार पे हम जिगजैग लाइन स्ट्रक्चर का डिस्कशन कर सकते हैं। तो चलिए डिस्कशन करते हैं जिगजैग लाइन स्ट्रक्चर के ऊपर। इसे वीडियो को पॉज करें और इसको लिख लें, ये बेहतर पॉइंट्स रहेगा आपके लिए। जिगजैग लाइन स्ट्रक्चर, कार्बन एटम इज प्रेजेंट एट फर्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट कर्व एंड ईच एंगल ऑफ जिगजैग लाइन। जिगजैग लाइन के फर्स्ट पॉइंट पर, लास्ट पॉइंट पर, कर्व के ऊपर और प्रत्येक एंगल पर कार्बन परमाणु उपस्थित रहता है, जिसको आप कुछ इस प्रकार से डिनोट कर सकते हैं। एग्जांपल्स के लिए ये हमने एक लाइन खींच दिया, पहला एग्जांपल हमने रखा जिसका ये फर्स्ट पॉइंट है और ये लास्ट पॉइंट है। तो इस दोनों जगह पर कार्बन एटम कुछ इस प्रकार से रिप्रेजेंट है, कार्बन टू सिंगल बॉन्ड कार्बन, कार्बन से सिंगल बॉन्ड कार्बन के द्वारा अटैच है। ये हमने कैसे डिसाइड किया, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है बिकॉज एक लाइन खींचा हुआ है, तो इसे हम सिंगल बॉन्ड बोलेंगे। अब आपने बैक में डिस्कशन किया सर कि कार्बन का चार वैलेंसी फुलफिल करना है, जबकि यहाँ पर कार्बन का केवल एक वैलेंसी फुलफिल हो रहा है, तो रेस्ट सभी वैलेंसी को, अन्य शेष जितने वैलेंसी बच जाते हैं उसको आप हाइड्रोजन के माध्यम से फुलफिल करेंगे, और हाइड्रोजन केवल और केवल सिंगल बॉन्ड रिप्रेजेंट करता है, तो सिंगल बॉन्ड, तीन सिंगल बॉन्ड अर्थात तीन हाइड्रोजन को आप डाल दीजिए तो इस कार्बन का टेट्रा वैलेंस फुलफिल हो जाएगा। इस कार्बन के साथ भी टेट्रा वैलेंस वैसे ही फुलफिल करेंगे, तीन हाइड्रोजन डालकर, 1 2 3 4, 1 2 3 4। चलिए हाइड्रोजन को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कर देते हैं, इस प्रकार से हो गया। आप इसी स्ट्रक्चर को चाहे तो ऐसे रिटेन कर सकते थे सर, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। दूसरा एग्जांपल के ऊपर डिस्कशन करते हैं, ये रहा दूसरा एग्जांपल ये फर्स्ट पॉइंट है, ये लास्ट पॉइंट है, ये भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी टर्म्स के लिए फर्स्ट पॉइंट होगा। अब ये देख लीजिए, ये कर्व हो गया और ये कर्व हो गया, इस जगह पर भी कार्बन एटम रिप्रेजेंट रहेंगे और यहाँ दो लाइन है, तो इसको हम डबल बॉन्ड्स के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे। टोटली 1 2 3 4 कार्बन, चार कार्बन में प्रथम दो कार्बन के बीच एक डबल बॉन्ड डालिए, तीसरा कार्बन से एक तीसरा कार्बन को लिंक कर दीजिए और फिर इस तरफ भी एक कार्बन आपको दर्शाना है। अब जिस कार्बन का जितना वैलेंसी अनफिल है उस सभी अनफिल वैलेंसी को आप हाइड्रोजन एटम के माध्यम से फुलफिल कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से, 1 2 3 4, यहाँ हाइड्रोजन दर्शाना पड़ेगा, 1 2 3 4, ऊपर नीचे जिस तरफ आप फोर करना चाहे कर सकते हैं, यहाँ हाइड्रोजन रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, 1 2 3, आप ऊपर स्पेस है तो ऊपर फोर कर लीजिए, 1 2 3 4, यहां भी आपको हाइड्रोजन रिप्रेजेंट करना है, हाइड्रोजन रिप्रेजेंट कर लीजिए, 1 2 3 4। अब यहां तीन जगह हाइड्रोजन डालना है, हाइड्रोजन डाल सकते हैं। इसी स्ट्रक्चर को आप ऐसे बना सकते थे, H2C डबल बॉन्ड
अब हम सबको एक जगह संग्रहित कर रहे हैं, CH सिंगल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH3। दैट मींस डायरेक्टली इस स्ट्रक्चर से इस स्ट्रक्चर को भी बनाया जा सकता है। ध्यान रखना है कि जितना हाइड्रोजन की कमी है, अर्थात जितना बॉन्ड की कमी है उतना हाइड्रोजन आप काउंट करके डाल सकते हैं, जैसा कि अगला स्ट्रक्चर डायरेक्टली हम कन्वर्ट करके बना रहे हैं। ये रहा अगला स्ट्रक्चर, कार्बन यहां भी होगा, कार्बन कट पर भी है, कार्बन कर्व पर भी है, जिसे आप एंगल बोल सकते हैं, कार्बन इस पॉइंट्स के ऊपर भी है, कार्बन इस पॉइंट्स के ऊपर भी है, और यह तीन लाइन है 1 2 3, तो ट्रिपल बॉन्ड है। चलिए 1 कार्बन 2 कार्बन, इस 2 कार्बन से एक ऊपर कार्बन, एक नीचे कार्बन, फिर एक कार्बन कर्व के ऊपर, फिर आगे एक कार्बन, और फिर यहां पर जो कार्बन अगला कार्बन से अटैच है वो ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा था, तो हमने ट्रिपल बॉन्ड डाल दिया 1। अब इस कार्बन को टेट्रा वैलेंस फुलफिल करने के लिए 3 हाइड्रोजन चाहिए, तो हम डायरेक्टली यहाँ लिख देते हैं H3। इस कार्बन का देखिए सर टेट्रा वैलेंस फुलफिल है 1 2 3 4। इस कार्बन का टेट्रा वैलेंस फुलफिल करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इस कार्बन का भी टेट्रा वैलेंस फुलफिल करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब देखिए 1 2, इस कार्बन को टेट्रा वैलेंस फुलफिल करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए था, तो 2 हाइड्रोजन हमने डाल दिया यहाँ पर 1 2 3 4, इसका ऑलमोस्ट टेट्रा वैलेंस फुलफिल है 1 2 3, इसका टेट्रा वैलेंस फुलफिल करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन यानी 1 हाइड्रोजन हम डाल सकते हैं। इस प्रकार से इसका टेट्रा वैलेंस प्रत्येक कार्बन का फुलफिल हो चुका है। अब कुछ ऐसे एग्जांपल्स को लेते हैं जो क्लोज चेन के अंतर्गत हो। क्लोज चेन बनाने के लिए मिनिमम 3 कार्बन की आवश्यकता होती है, न्यूनतम 3 कार्बन के द्वारा आप क्लोज चेन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सर ध्यान ये भी रखना है क्लोज चेन के जिगजैग स्ट्रक्चर को खोलते समय कि आप उसे खोले नहीं, अगर आपने खोल दिया तो स्थिति खराब हो जाएगी। कैसे, पहले की एग्जांपल देखते हैं। नॉर्मल टर्म में क्लोज चेन में आप वैसे ही क्लोज चेन बना दीजिए जैसे पहले से बने हुए हैं, बस केवल प्रत्येक पॉइंट के जगह कार्बन को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 1 2, इस कार्बन का 2 संयोजकता पूरा हो रहा है, 2 बाकी है तो 2 हाइड्रोजन दे सकते हैं आप। 1 2 2 बाकी है, 2 हाइड्रोजन दे दीजिए। 1 2 2 बाकी है, 2 हाइड्रोजन दे दीजिए। अब इसी स्ट्रक्चर को यदि हम खोल देते हैं तब क्या स्थिति सामने आती है और क्यों वो गलत हो जाती है, इस पॉइंट्स के ऊपर भी डिस्कशन करते हैं हम। जैसे इसको हमने खोल दिया, यहाँ पे एक बॉन्ड और यहाँ पे एक बॉन्ड आ चुका है सर, टोटली 1 2 3 4 कार्बन हो गया, जबकि मूल स्ट्रक्चर हमारा कहता है कि इसमें केवल और केवल 3 कार्बन है, तो इसे आप खोल नहीं सकते हैं। अगला स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं जो क्लोज चेन के अंतर्गत ही है, कुछ इस प्रकार से। जैसे चलिए यहाँ पे हमने डाल दिया, यहाँ डाल दिया, इस इवेंट पे डाल दिया। अब इस स्ट्रक्चर को कंप्लीट रूप से बनाया जाए, 6 कार्बन का एक क्लोज चेन है जिसमें इस पोजीशन पर डबल बॉन्ड है, रेस्ट में सिंगल बॉन्ड है, ये हमने इस प्रकार से बना दिया। यहाँ पर भी एक कार्बन अटैच है और इस पोजीशन पर भी एक कार्बन अटैच है। अब प्रत्येक कार्बन का जितना अनफिल वैलेंसी है उसको फिलफिल कर लीजिए। 1 2 2 हाइड्रोजन चाहिए, 2 हमने डाल दिया। 1 2 3, इसको 1 हाइड्रोजन चाहिए, डाल दिया। इसको देखिए 1 2 3 4 नहीं चाहिए, नहीं दिया। इसको देखिए 3 हाइड्रोजन चाहिए तो दे दिया हमने 3। इसको 1 2 2 और चाहिए तो 2 और दे देते हैं। इसको क्या चाहिए 1 2 3, 1 चाहिए तो 1 दे दिया। इसको क्या चाहिए 3 चाहिए तो 3 दे दिया। इसको क्या चाहिए 1 2 2 अवेलेबल है, 2 और चाहिए तो 2 दे दिया। इस प्रकार से ये जिगजैग लाइन स्ट्रक्चर को आप समझ पाए होंगे। आप वीडियो को रोकिए और ध्यान से इस स्ट्रक्चर को प्रैक्टिस करके देखिए। ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर आपके बुक में दिए गए हैं, उसे बनाइए और सीखिए, समझिए। धन्यवाद।